तो उद्धव के मंत्री के ठिकानों पर आज ईडी की रेड हो सकती है। मंत्री अनिल परब के 60 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। परब पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। परब के डापोली रिजॉर्ट पर इस वक्त रेड चल रही है। मंत्रालय के पास C5 बंगले पर भी एक टीम मौजूद है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, अनिल परब इस वक्त ईडी के शिकंजे में कसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर मामला भी दर्ज किया गया था प्रवर्तन निदेशालय द्वारा। ऐसे में उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं अनिल परब, और अनिल परब के आज एक नहीं, दो नहीं, 7 ठिकानों पर एक साथ ईडी ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें जो सबसे बड़ा लोकेशन है वो है अनिल परब के नाम पर बना डापोली रिजॉर्ट। यहाँ पर भी आज ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो पहुंचे हैं और रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। शिवानी हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, किस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, कौन कौन से इलाके में खासतौर पर परिवहन मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल, ये कार्रवाई जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा काफ़ी ज़्यादा अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि अनिल परब कोई आम मिनिस्टर नहीं है, वो सीएम उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी माने जाने वाले मिनिस्टर्स में से एक हैं। इनफैक्ट आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने इसके पहले भी कुछ महीनों पहले उनका स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया था अनिल देशमुख के मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जो उस वक्त के गृह मंत्री थे। साथ ही साथ 40 करोड़ रुपये का घोटाला देखने को मिला था, जिसमें से 10 DCPs जो है पूरी मुंबई में उनके ट्रांसफर्स किए गए थे। उन ट्रांसफर्स के पैसे अनिल देशमुख को 40 करोड़ मिले थे, जिसमें से 20 करोड़ अनिल देशमुख को जाने थे, 20 करोड़ अनिल परब को जाने थे। तो इसी कार्रवाई के चलते फिलहाल जो है कल ही देर रात में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा जो है अनिल देशमुख के खिलाफ पीएमएलए के एक केस जो है वो रजिस्टर किया गया है। साथ ही साथ ना सिर्फ दापोली रिसोर्ट पर बल्कि C5 बंगलो, जो कि एज अ मिनिस्टर उनका एक ऑफिशियल बंगलो है, वहां पर भी रेड चल रही है। शिवानी, बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा। तो कुल 7 ठिकाने हैं जहां ये रेड चल रही है। बहरहाल, इस खबर के अलावा दिन भर की तमाम और बड़ी खबरों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बस एक ब्रेक के बाद।